अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इब्ने सीना पीरी तिब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आपको फ़ार्म भरने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने फ़ार्म भर के दिखलाऊंगा कि किस तरीके से फ़ार्म भरना है, और उस फार्म भरने के लिए उसका लिंक आप अगर चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फार्म का लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके अपना डेटा वहां पर भरना है। उसके बाद आपको आज शाम 7 बजे से ही इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप फ़िलहाल नहीं पढ़ सकते हैं तो रमज़ान में आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है उन तलबा के लिए जो मदारिस में तालीम हासिल करते हैं। और फ़िलहाल अभी अक्सर मदारिस में छुट्टी लगने वाले हैं, छुट्टी के बाद वो कुछ नहीं तो वो शाम 7 बजे से रोज़ाना या फिर वक्त को तब्दील भी कर सकते हैं। एक बार आप ज्वाइन कर दीजिए, उसके बाद वक्त आप तब्दील कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप ऑनलाइन तालीम ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके मेरी मदद ज़रूर करें। चलिए मैं आपको बताता हूं फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अभी मैं आपको फॉर्म भर के दिखलाता हूँ। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अपना सब कुछ डेटा भरना है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से फार्म को भरना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूअर ईमेल, यानी आपका अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप अपना नाम भरिए, तो मैं अपना नाम यहाँ पर भर लेता हूँ। यहाँ पर फिर कहा जा रहा है मुकम्मल पता, यानी आप अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और सूबे का नाम। चलिए मैं अपना सब कुछ यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि किस मदरसे से आपने फरागत हासिल की है, यानी आप मतलब कि कहाँ पढ़ते हैं। अगर आपने फरागत हासिल नहीं की है तो आप कहाँ पढ़ते हैं आप लिख सकते हैं। जैसा फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ जामिया अक्कल कुआ। आगे लिखा हुआ है कहाँ दाखला चाहते हैं, मतलब कि आप ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे तो किसी मदरसा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं अगर आप देवबंद जाना चाहते हैं वहाँ की तैयारी करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कुछ भी यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके पास फजीलत की मार्कशीट है। देख लीजिए यहाँ पर सवालिया अंदाज डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास होगा तो यस कर दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो आप नो कर सकते हैं। और नो करने के बाद अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ, सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म वहाँ जमा हो जाएगा। जमा हो जाने के बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर फ़ोन आएगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं, आप को जिस चीज़ के अंदर दिलचस्पी होगी, यानी आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अरबी पढ़ना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से वो आपसे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे मीटिंग जो ऐप है उसके ज़रिए आपको इंशाल्लाह तालीम दिया जाएगा। बहुत अच्छा है, सुनहरा मौका है तलबा मदारिस के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और मैं आपके लिए इसी तरीके की अपडेट लाता ही रहता हूँ। तो आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।